राजस्थान में पिछले एक महीने से जारी सियासी गहमा गहमी लग रहा है मानो अब शांत होने जा रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त किए जा चुके सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात हर मायने में सकारात्मक दिखाई दे रही है। लग रहा है कि अब मानो वो समय आ गया है जब कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट की फिर से ताजपोशी करेगा। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सचिन पायलट की प्रियंका और राहुल गांधी से मीटिंग सफल रही है। पायलट पार्टी आलाकमान से अब सीधे संपर्क में है, हालांकि इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को काफी हाथ पैर मारकर इस पृष्ठभूमि को तैयार करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जब अंत भला होता है तो मतलब सब भला होता है। माना जा रहा है कि 14 अगस्त से राजस्थान का विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पार्टी फिर से एक महीना पहले लौट सकती है। इस मुलाकात के बाद अब सचिन पायलट की ताजपोशी पक्की दिख रही है। पहले तो न गहलोत मानने को तैयार थे और न ही पायलट, लेकिन काफी मान मनोबल के बाद और फिर एक बात ये भी है कि सचिन पायलट और राहुल गांधी काफी करीबी हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सीएम अशोक गहलोत ने तो सचिन पायलट को निकम्मा तक कह दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने सचिन पायलट के खिलाफ एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। शायद यही वजह रही जो सचिन पायलट वापसी करने के लिए तैयार हो गए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे, मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूँ। खैर, मुलाकात के दौरान क्या बात हुई जिस पर सचिन तैयार हुए, इसका पता लगना अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत अपनी सत्ता को बचा ले जाने की खुशी मनाते देखे गए। गहलोत ने कहा, हम सब लोकतंत्र के योद्धा हैं, ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं और 3.5 साल के बाद चुनाव में भी हम जीतेंगे। क्या आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ, उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए, ऐसा बहुत कम होता है लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था, कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर, और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी है और मेरे लेके राज लेके आज राजस्थान के अंदर, वो तो राज की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो, हमने क्वेश्चन नहीं किया। पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने, एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे, मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं। इस लैंग्वेज में वो साफ साफ निकल